बीजेपी को एक बार हमने अवसर दे दिया था, उनको उन्होंने मैनिफेस्टो में वचन दिया था, उन्होंने अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, लेकिन उन्होंने तो धोखा दिया। पहले एनडीए छोड़ने वाला पहला मैं बना, अब धीरे धीरे सब ये बातें करने लगी, मुझे खुशी है। और इनका बर्ताव यही रहेगा, इनको बहुत अहंकार आ चुका है बीजेपी के नेताओं को, मोदी जी को और उनके सभी साथियों को बहुत अहंकार आ चुका है। उनको ऐसा लगता है कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त तो होगा ही नहीं है, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए अगर सूरज उगता है तो शाम को उसको ढलना ही पड़ता है। इनका एक भी मित्र बचा नहीं है, तो 2019 के बाद ये अकेले रहेंगे और अकेले ये 200 से कम सीटें इनको मिलेगी। ये तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे लेकिन बहुमत से बहुत दूर रहेंगे। मैंने जब एनडीए ज्वाइन किया तो शर्त रखकर ज्वाइन किया था। आज हमारे बीच गोपीनाथ मुंडे तो रहे नहीं हैं, लेकिन उनकी मध्यस्थी से उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि आज की जो अवस्था है किसानों की तो बहुत ख़राब है, और कभी इस देश में आवाज़ गूंजती थी जय जवान जय किसान, लेकिन आज की तारीख में मर जवान मर किसान ऐसी स्थिति हो चुकी है और ये परिस्थिति मुझे बदलनी है। इस तरह से आश्वासन मुझे मोदी जी ने दिया, लेकिन चार साल होने के बाद भी परिस्थिति बदली तो नहीं, किसानों के सर पे कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं अपने पूरी 15-20 साल के पॉलिटिकल करियर में इतनी असंवेदनशील सरकार कभी जिंदगी में भी नहीं देखी थी। अगर किसानों के खेती फायदे की साबित करते हैं तो लोन वेवर और लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य, ये तो प्राइमरी चीज़ें हो गई, लेकिन इसके साथ साथ उसको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, बुनियादी सुविधा देनी चाहिए, भंडारण क्षमता बढ़ानी चाहिए, हमारे देश में भंडारण क्षमता है नहीं, शीतगृह चाहिए, और अगर ज़रूरतों से ज़्यादा उत्पादन बढ़ता है तो उसके ऊपर प्रोसेस करने का प्रक्रिया करना संस्करण करने के उद्योग बढ़ाना चाहिए। अभी तो कुछ चर्चा नहीं हुई, अगर बीजेपी के साथ शर्त रखकर हम एनडीए में जाते हैं तो यूपी हो या कुछ और दल हो या और गठबंधन हो, हम बिना शर्तें रखकर नहीं जाएंगे किसी के साथ नहीं। ये सब एक सिक्के के दो पहलू है, जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, मैंने साफ साफ कहा है कि मुझे भी राजनीति ही करनी है किसानों की, लेकिन वो राजनीति किसानों के लिए करते हैं। जिस तरह से वो राजनीति का खेल करके किसानों की वोट छीनते हैं, उसी तरह से मुझे उनको वोट का लालच दिखाकर किसानों के लिए कुछ काम करना है।